अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बच्चों, ठीक ठाक हैं आप। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 हमारा है अबाउट पीसी के हार्डवेयर के बारे में। आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 2 में कंप्यूटर टाइप्स बताई थी। उस कंप्यूटर टाइप्स में जो माइक्रो कंप्यूटर थे हमारे पास, हमने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करनी है आज। माइक्रो कंप्यूटर में हमने जो पीसी सेक्शन है उसको पढ़ना है हमने। उसमें उसका हार्डवेयर और साथ उसके मदरबोर्ड के साथ जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और उसकी पोर्ट्स के अबाउट हम सारी बात करेंगे आज। देखिए जी, हार्डवेयर जानने के लिए आपको ये जानना चाहिए। सबसे पहले आपने एक पीसी ले लेना है। पीसी लेने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक हार्डवेयर के टॉपिक्स के ऊपर पूरी डिटेल्स से आपको एक वीडियो भी सेंड करूंगा, ताकि आप इस चैनल पे आएँ और इसमें सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। क्योंकि ये जो मैं इस वक्त काम हमारा चल रहा है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काफ़ी हमारी टीम वर्क कर रही है, क्योंकि हम टीम वर्क में कर रहे हैं सारे अपने जितने भी लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड। हमारी टीम हमारा साथ दे रही है माशाल्लाह। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की पिछले 2-3 माह से, तो जिसके साथ साथ हम क्या इसका नाम है ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले पीसी है हमारे पास। पीसी के साथ आपने देखना है कि पीसी के अंदर हार्डवेयर के इक्विपमेंट कौन कौन से जो कंप्लीट मिलके एक पीसी बन जाता है। पहले नंबर पे हमारे पास आता है एक पीसी आप ले लिया आपने, पर्सनल कंप्यूटर, उसकी पहले आएगा, पहले नंबर पर बॉडी आएगी, पहला उसका पार्ट आएगा। उसके अंदर ये मैं आप लोगों को बेटा इंटरनल इक्विपमेंट बता रहा हूँ। इसमें पहले नंबर पे आएगा पीसी की बॉडी, उस बॉडी के अंदर दूसरे नंबर पे आएगा मेन बोर्ड। मेन बोर्ड भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम मदर बोर्ड भी है। कुछ लोग, कुछ कंट्रीज़ में मेन बोर्ड बोला जाता है, कुछ कंट्री में मदर बोर्ड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के मल्टीपल सेक्शंस होते हैं जो सप्लाई फराहम कर रहे होते हैं, सप्लाई करंट की। उसमें DC करंट यूज़ हो रहा है, और उसके बाद जिस सेक्शन को जितना करंट या सर्किट या जो भी रिक्वायर्ड हो इलेक्ट्रिसिटी वो उतनी फराहम करता है। पावर सप्लाई का ये काम है। दूसरे नंबर पे ये हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इस रैम का काम होता है, जिस वक्त आप पीसी को ऑन करते हैं जो डिस्प्ले आ जाएगा आपके पास, ये रैम में ओपन होगा फर्स्ट टाइम। इसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि जैसे समंदर के किनारे पर आप खड़े हैं। समंदर के किनारे पर खड़े होने के बाद आप देखते हैं नीचे रेत के ऊपर आप अपने फिंगर से कोई चीज़ अल्फ़ाबेटिक करैक्टर प्ले करते हैं या लिखते हैं, तो लहर आती है उसको रिमूव कर देती है। सेम लाइक डैट ऐसे ही रैम में आपके साथ डिस्प्ले होता है। जितनी देर के लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो डिस्प्ले रहता है, जैसे एक लहर आती है वो ख़त्म कर देगा डिस्प्ले। इसी तरह जो आरजी तौर पे टेम्पलेट्स फाइल्स आपकी ओपन होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में होती हैं। पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरा, चौथे सेक्शन पर आएगा हमारे पास रोम, रीड ऑनली मेमोरी। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। ये मेमोरी इस वजह से यूज़ होती है, इसमें जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो, जो कंप्यूटर का जितना भी डाटा आप स्टोर करते हो ड्राइव्स में, उसको कंट्रोल करती, होल्ड करती है कि आया कि मेमोरी, ये रीड ऑनली मेमोरी इसलिए कि जब आपने कंप्यूटर की पल्स देना है, उसको ऑन करना है, इसने फ़ौरन से पहले डाटा डिस्प्ले करना है आपका। डिस्प्ले करने के बाद आपका डाटा रन करेगी, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा, रन करने के बाद फिर आपको दिखाएगा। 5वें नंबर पर आपके पास आता है प्रोसेसर। प्रोसेसिंग का काम है, क्या करना है, उसने डाटा को मूव करना है। प्रोसेसर के साथ कुछ इसके इंटरफेसेस, बसेस होती है, बसेस बोलते हैं, जो इसके अंदर वायरिंग्स हुई होती हैं जिनमें डाटा गेटवे के ज़रिए मूव कर रहा होता है थ्रू मदरबोर्ड, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की 2 टाइप्स हैं जो इस वक्त चल रही हैं। एक है HDD, दूसरे नंबर पर है SSD। HDD से मुराद ये है कि हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD से मुराद है स्टेट ड्राइव। ये थोड़ी सी ना रैम बेस आती है। अब आजकल 2 TB, 3 TB, 26 TB तक ये डाटा मार्केट में आ चुका है, जिसकी आपको चिप्स मिल जाती हैं छोटी सी। आप किसी भी कंप्यूटर शॉप से ये बाय कर सकते हैं मेमोरी। ये TB में डाटा इसमें मिलेगा आपको, जो आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है CD DVD। ये CD DVD क्या चीज़ है, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, जिसमें CD के अंदर डाटा आप स्टोर कर सकते हैं 600-700 MB या 800 MB के राउंड अबाउट। और उसके बाद आता है DVD डिस्क। DVD डिस्क में 4.7 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है, और उसके बाद 9.4 GB तक आपको डिस्क अवेलेबल मार्केट में मिल जाती है। इस कॉम्पैक्ट डिस्क में कुछ डाटा ऐसे आते हैं जो सिर्फ राइटेबल होती हैं, कुछ होती हैं हमारे पास रीराइटेबल, रीराइटेबल से मुराद क्या है कि आप उनमें डाटा स्टोर भी कर सकते हो, बाद में रिमूव करने के बाद उसको दोबारा से रीराइट कर सकते हो। ठीक है, ये सुपर ड्राइव के लिए जो सीडी डीवीडी रोम है उनमें ये यूज़ होता है। ठीक है, आप उसमें रीडेबल के लिए भी कर सकते हो और रीराइटेबल भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाती है ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट मिलके एक पीसी क्रिएट करती हैं। ये सारे के सारी चीज़ें मुंसलिक होती हैं मदरबोर्ड के साथ, मेन बोर्ड जिसको कहते हैं। अब ये तो आ गया सिस्टम का, कुछ इसमें कूलिंग फ़ैन लगे होते हैं जो प्रोसेसर के ऊपर ऊपर नीचे, आजकल जैसे आरजीबी फॉर्म में पीसी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं मार्केट में। आप देखें लेटेस्ट से लेटेस्ट भी कोर i9 सीरीज़ 13 जनरेशन तक मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। राइजन कंपनी के आ गए हैं, ठीक है, इंटेल के आ गए हैं, उसके बाद AMD प्रोसेसर के आ गए। इसी तरह इनमें ग्राफिक कार्ड यूज़ होते हैं जिसमें एनवीडिया गीगाबाइट्स, ठीक है, MSI में अवेलेबल है। अब ये जो ग्राफिक कार्ड है ग्राफिकली डेफिनेटली आपको पता है जैसे जैसे हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं ऐसे ऐसे मार्केट में पीसीज़ को भी अपग्रेड किया जा रहा है। उस अपग्रेडेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है लोगों को, उनके ज़रूरत ज़िंदगी के मामला जो है वो आसानी से आसान की तरफ चलते चले जा रहे हैं। और आप लोगों को भी जैसे जैसे पीसी सॉफ्टवेयर अपडेट अपग्रेड हो रहे हैं ऐसे ही सेम लाइक बच्चों आप लोगों ने भी अपने आप को स्किल्ड बेसिस तरह अपडेट अपग्रेड करते चले जाना है और साथ साथ एक्सपीरियंस लेते जाना है, ताकि आप लोग जो दौरे हाजिर में जो टेक्नोलॉजी अपडेट अपग्रेड हो रही है, जैसे अब आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला टेक्नोलॉजी AI की तरफ और क्लाउड्स की तरफ चलती चली जा रही बड़ी तेज़ी के साथ, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी की तरफ रोबोटिक्स की तरफ चलती चली जा रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी ज़रूरत ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपको आसानियाँ मिलेंगी इसमें, क्योंकि अब जिसके पास सॉफ्ट स्किल होगा बेटा आने वाले वक्तों में काम उसी को काम मिलना है। उसी हार्ड कम्युनिकेशन, और एक बात याद रखिएगा, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल जिसके पास होगा उसकी वर्थ मार्केट में ज़्यादा होगी, जिसके पास हार्ड स्किल होगा उसकी मार्केट में वर्थ इतनी नहीं होनी। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी ज़रूरत ज़िंदगी तो गुजार सकता है मगर एक अच्छी लाइफ नहीं अपनी गुजार सकेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए अपने आप को साथ साथ अपग्रेड करें और अपडेट करें। अब आती है बात हमारे पास मदरबोर्ड के आउटसाइड इंटरफेस के बारे में। ये इंटरफेस मैंने बताया आउटसाइड पे आ गई, बाहर वाली साइड पे, जहाँ पे पोर्ट्स के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इसमें मैं थोड़ी सी आपको वीडियो के साथ साथ आपको तस्वीरें भी शो करवाऊँगा। ये हमारी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे, थोड़ी सी साथ साथ वीडियो आती चली जाएगी और साथ साथ पिक्चर आती चली जाएगी, आपको दिखाया जाएगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे आप देखें मदरबोर्ड के साथ जो चीज़ सबसे पहले कनेक्ट करनी है, उसमें 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में पहला सेक्शन है VGA। इस VGA के साथ DVI पोर्ट है, DVI पोर्ट के साथ HDMI पोर्ट है और 4th नंबर पे डिस्प्ले पोर्ट है। ये 4 पोर्ट्स जितनी मैंने आपको बताई, इन 4 पोर्ट्स के साथ आप ओनली डिस्प्ले आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी, CRT मोनीटर, LCD LED और साथ ही साथ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये कुछ HDMI के साथ कनेक्ट होंगी, कुछ VGA के साथ होंगी, कुछ DVI पोर्ट से होंगी और कुछ डिस्प्ले पोर्ट से होंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड के पीछे पिने गोल होल पिन बनी होती है, कुछ पिंक कलर की होती है, कुछ ग्रीन कलर की होती है। ये पिंक कलर के ऊपर माइक कनेक्ट होता है इनपुट डिवाइस, और ग्रीन कलर के ऊपर स्पीकर, यानी कि स्पीकर या हैंड फ्री आप लगा लें, ये कनेक्ट होगी। ये कनेक्ट होते साथ क्या होगा, आपकी आउटपुट डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी स्पीकर। उसके बाद आता है LAN कार्ड, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, इसके साथ कनेक्ट होता है RJ40। इसमें LAN कार्ड लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में नेटवर्किंग के हवाले से बात हो रही है। लोकल एक LAN एरिया नेटवर्क है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक WAN एरिया नेटवर्क है, यानी कि WAN WAN वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद अब मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया जिसको मैन नेटवर्क बोलते हैं, तीसरा ये है। ये कैटेगरी इन फ्यूचर आप इंशाल्लाह ताला मैं 7-7 टॉपिक्स अपलोड करूंगा आप लोगों को, एक पूरी सीरीज नेटवर्किंग की सीरीज़ के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला इस हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। और हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क के मजमूए का नाम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया है, जिसको हम मैन बोलते हैं। ये LAN एरिया नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और WAN एरिया नेटवर्क, इन दोनों के मजमूए का नाम मेट्रोपॉलिटन यानी कि मैन एरिया नेटवर्क है। इसके बाद आपके पास आती हैं पोर्ट्स PS2, जिसके साथ पर्पल कलर की और ग्रीन कलर की अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, पीछे गोल सी पोर्ट होल होती है। ये तस्वीर में भी आपको दिखा दिया जाएगा इंशाल्लाह वीडियो में। तो इसमें कीबोर्ड और माउस ग्रीन कलर की होगी और ये पर्पल कलर की होगी, ये होगी हमारे पास कीबोर्ड। उसके बाद हमारे पास आएगी सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट होती है, ठीक है। उस सीरियल पोर्ट के अलावा आप मशीन वगैरह कोई चीज़ है, डिवाइसेस वगैरह उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आएगी LPT पोर्ट 25 पिन। ये पर्पल पिंक कलर की होती है, पिंक कलर की पोर्ट होगी जिसके साथ प्रिंटर अटैच होता है, यानी कि आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगी। इसके बाद आपके पास आती है USB फॉर मी, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके साथ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस दोनों कनेक्ट हो सकती हैं। पहले नंबर पे कीबोर्ड, माउस, उसके बाद लेज़र पेन, उसके बाद वेब कैमरा, इसके साथ जॉयस्टिक, गेमिंग के लिए जॉयस्टिक वगैरह कनेक्ट हो सकती है। और उसके बाद आप इसके साथ स्कैनर, प्रिंटर, जो मल्टीपल डेस्कटॉप इंकजेट और ये प्रिंटर आए मार्केट में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हो गए और उसके बाद ये लाइन प्रिंटर, इन सब को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये उनकी एग्जाम्स है जो मैंने यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में बात की। इसके अलावा एक ड्राइव है इसमें USB, जिसमें डाटा ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती है, जिसमें आप डाटा मूव कर सकते हैं, लगाते हैं आप लोग बच्चे। अब ये उन लोगों के लिए जिनके लिए वो लोग भी सीख सकते हैं इस हमारे टॉपिक्स पे आके, यानी जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, और ट्रेनिंग भी हमारी साथ साथ इंशाल्लाह आएगी। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यानी कि ये अभी हमारे पास हार्डवेयर आ गया। हार्डवेयर आने के बाद इनके ऊपर सॉफ्टवेयर की टाइप्स होनी, ताकि हम इसको इस काबिल बना सकें, अपने इस्तेमाल के काबिल ला सकें। इस वजह से हमने आपको सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर्स के ऊपर है, सॉफ्टवेयर टाइप्स कितने किस्म की इंशाल्लाह 3 टाइप्स डिटेल से आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हमारा आमिया नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।